أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ शाह ही सबीलामकम वह वरक़ जमातलसही इस्लाम में जो कुछ हो रहा है वह दिल दहला देने वाला है जहाँ कमज़ोर आस्था वाले कुछ लोग शैतान के बहकावे में आकर उसकी इच्छाओं के गुलाम बन गए हैं जब वे बुराइयों के प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं तो वे स्वतः ही युग की दिव्य अभिव्यक्ति का हिस्सा और खलीफतुल्ला के अनुयायी बनना बंद बन कर देते हैं दुनिया के लिए एक खलीफतुल्ला के रूप में हमारे इमाम हज़रत मुनीर अहमद अज़ीम एयदुल्ला बनर अज़ीज़ हमेशा न्यायप्रिय और सच्चे हैं और सच बोलने से नहीं डरते भले ही वह जमात से संबंधित हो जिसे अल्लाह ने उन्हें सौंपा है जमात के कुछ तथाकथित सदस्यों के बीच हुई दुखद घटनाओं कि एक श्रृंखला के बाद खलीफतुल्ला अल-महदी ने निम्नलिखित संदेश दिया है एक दिव्य संदेश जमातुल सही अल इस्लाम के भीतर इस्लाम के कुछ तथाकथित अनुयायियों के मूर्खतापूर्ण और पापपूर्ण कृतियों की निंदा करते हुए उनका यह संबोधन सर्वप्रथम उनके सभी ईमानदार समर्पित और विनर्म अनुयायियों के लिए है ताकि वे जाग सकें और ऐसे गैर इस्लामी रुझानों से सावधान रहें जिन्होंने न केवल दुनिया के बहुसंख्यक मुसलमानों को बल्कि जमातुल सही अल इस्लाम के सदस्यों को भी प्रभावित किया है दुनिया के लिए एक चेतावनी के रूप में और विशेष रूप से मुसलमानों और उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करने और उसका अनुसरण करने का दावा करते हैं खलीफतुल्ला ने आंखें खोलने वाला और दुखद संदेश दिया ताकि गैर इस्लामी घटनाओं को दैवीय अभिव्यक्ति के दायरे से रोका जा सके उनकी चेतावनी इस प्रकार है ईश्वरीय चेतावनी असलकम व वर्कात यह मेरे सभी सच्चे समर्पित और विनम्र शिष्यों के लिए एक संदेश है इस्लाम इंटरनेशनल और विशेष रूप से भारत में क्या चल रहा है इस युग के खलीफतुल्ला और विश्वास के पुनरुत्थानकर्ता के रूप में मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे तथा कथित शिष्यों के कृतियों को देखना मेरे लिए इस युग के खलीफतुल्ला के रूप में दर्दनाक है मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं और सोशल मीडिया पर इस्लाम के विपरीत पोस्ट की गई ऐसी चीज़ों को देखकर मेरा दिल भारी और बहुत आहत होता है आज 22 मई 2024 हज़ार चौबीस को असर की नमाज के बाद मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और बिस्तर पर आराम करने चला गया कुछ मिनटों के बाद मेरे रब ने मुझे पवित्र कुरान की दो आयतें दिखाई ये आयतें हैं लेकिन जो कोई मेरे संदेश से विमुख हो उसके लिए निश्चित रूप से एक कठिन जीवन है और हम उसे न्याय के दिन अंधा करके उठाएंगे अल्लाह की कृपा से मैं समझ गया हूँ कि भगवान के मार्गदर्शन की अस्वीकृति के परिणाम यहाँ अधिक व्यक्तिगत रूप से व्यक्त किए गए हैं एक जीवन संकुचित हो गया है और एक व्यवसाय जो इस जीवन के बाद भी बना रहेगा संकुचित जीवन कहने से मेरा अभिप्राय यह है कि यह एक ऐसा जीवन है जिसमें ईश्वर की व्यापक दुनिया के सभी लाभकारी प्रभाव शामिल नहीं हैं जो लोग ईश्वरीय शिक्षा को अस्वीकार करते हैं वे वंचित रह जाएंगे और इस प्रकार वे एक कठिन जीवन व्यतीत करेंगे जो तनावों और दबावों से भरा होगा इस जीवन की अच्छी चीज़ों को विशेष रूप से देखने में वे सच्ची वास्तविकता से चूक जाते हैं भगवान ने ऐसे व्यक्ति को इस जीवन में परीक्षण के लिए भौतिक दृष्टि दी है लेकिन वह सोचता है कि उसे लौकिक दुनिया के में अनुग्रह किया जाना चाहिए जिसे वह वास्तविक मानता है उसके लिए सिर्फ दुनिया ही मायने रखती है वह अपनी शारीरिक दृष्टि का दुरुपयोग करता है और दूसरी दुनिया के लिए खुद को अंधा बना लेता है हे मूर्ख तूने जानबूझकर ईश्वर की निशानियों के प्रति अंधापन दिखाया अब तू ईश्वर की कृपाओं को नहीं देख पाएगा और उसकी कृपा से वंचित रह जाएगा स्थाई वास्तविकता की दुनिया में अंधापन परिविक्षा की दुनिया में शारीरिक अंधेपन से कहीं अधिक बुरा है इसके अलावा खलीफतुल्ला बनज़र अज़ीज़ ने नई पीढ़ी के अपमानजनक रुझानों पर ध्यान केंद्रित किया और इस मामले के बारे में इस तरह की बात की यह जानना बहुत ही दुखद है कि हमारे युवा लड़के लड़कियां पुरुष और महिलाएं किस तरह से सोशल मीडिया पर ख़ुद को पोस्ट कर रहे हैं मेरे पास उनकी पोस्टिंग मौजूद हैं जमात में लड़कों की गर्लफ्रेंड होती हैं और लड़कियों के बॉयफ्रेंड। मैंने कई बार उन्हें हमारे जमात में शादी करने की सलाह दी है जमातुल सहील इस्लाम में कोई भी लड़की शादी करने में दिलचस्पी नहीं रखती है वे दूसरे धर्मों या दूसरी जमात के लोगों से प्यार कर रही हैं कुछ लड़कियां और महिलाएं बिना किसी पर्दा के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं यह जमातुल सही अल इस्लाम की जमात है और अल्लाह ने जमात का नाम अपने खलीफुल्ला पर प्रकट किया है मेरा विश्वास करो आप जो शैतानी जीवन जी रहे हैं उसे बदल दो और यह ईश्वरीय दूतों से इनकार करने वालों के लिए एक सतत चेतावनी भी है कि अंततः उन्हें दुख ही मिलेगा यह एक अटल और परिवर्तनीय ईश्वरीय नियम है कि ईश्वरीय शिक्षा को अस्वीकार करने से अस्वीकार करने वालों को पूरी तरह बर्बादी और विनाश का सामना करना पड़ता है दूसरी आयत जो मुझे मेरे रब से मिली है वह है और यदि हम इससे पहले उन्हें यातना देकर विनष्ट कर देते तो वे अवश्य कहते हे हमारे पालनहार यदि तूने हमारे पास कोई रसूल भेजा होता तो हम अवश्य ही अपमानित और अपमानित होने से पहले तेरी विना निशानियों या प्रकाशना का अनुसरण करते अपने अधर्म और अपराधों के कारण जो लोग काफिर हैं या जो ईश्वरीय शिक्षा प्रकाशन और प्रकटीकरण से मुंह मोड़ लेते हैं वे स्वयं को ईश्वर से सजा सजा के योग्य बनाते हैं किंतु चूँकि उन्हें सुधारने का अवसर दिए बिना उन्हें दंड देना ईश्वरीय न्याय और दया के विरुद्ध है इसलिए वह उनके बीच एक नबी को खड़ा करता है ताकि जब उन्हें दंड मिले तो वे यह ना कहें कि यदि उनके बीच कोई नबी प्रकट होता तो ईश्वरीय भेजे हुए नबी का अनुसरण करके उन्हें सुधारने का अवसर नहीं दिया गया ध्यान रखें कि अल्लाह का रहस्य उद्घाटन संकट का अवसर नहीं है बल्कि सबसे दयालु अल्लाह की ओर से दया का उपहार है याद रखें जो लोग ईश्वरीय अभिव्यक्ति के साथ साथ अल्लाह के इस विनर्म दूत को स्वीकार करते समय जिस सुधार की प्रतिज्ञा करते हैं उसकी उपेक्षा करते हैं उनके लड़खड़ाते कदम उनके लड़खड़ाते कदम सच्चे विश्वास और अल्लाह और उसके खलीफतुल्ला के प्रति आज्ञाकारिता की दिशा में आगे बढ़ना बंद कर देते हैं इस्लाम की शिक्षाओं को दृढ़ता से पकड़कर, फिर जो लोग अल्लाह का मार्ग छोड़ने और शैतानों से मित्रता करने पर अड़े हैं वे अपने कार्यों और इरादों से सच्चे विश्वासियों का हिस्सा बनना बंद कर देते हैं वे मेरे शिष्य या अनुयायी बनना बंद कर देते हैं यह चेतावनी मेरे सभी शिष्यों के लिए है कि वे शैतान के प्रलोभनों में ना फंसें यदि आप उसका अनुसरण करेंगे तो आप अपनी खोई हुई जगह पर चले जाएंगे और अल्लाह आपसे मुंह मोड़ लेगा और आप नरक की खाई में गिर जाएंगे। अल्लाह मेरे सच्चे और ईमानदार शिष्यों को इस दुनिया में शैतान से ऐसे दुष्ट और बुरे जाल से बचाए आमीन